बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैदा हूँ देसी किचन के साथ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे अपनी जगह पे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजल व करम से। और आज अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मैं रेसिपी बनाती हूँ। आज मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। वो बेसन है एक पाव और ये घी है। घी मैंने नापा नहीं है, ये घी और चास मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। बिकॉज ये मैंने चीनी चूल्हे पे चढ़ा दी है चास। ये जैसे ही अब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी इसे उतार के तो मैं बेसन का हलवा बना लूँगी। चूल्हे पे घी चढ़ा दिया एक पैन में। अब जैसे ही ये मेल्ट होता है फिर मैं इसमें ये बेसन डाल देती हूँ। घी अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ये मैं बेसन छना हुआ ऐड कर देती हूँ। ये मैंने छान के रखा था। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, कोई कुटी वगैरह ना हो जाए। माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। जब तो आस्ते आस्ते मैं इसे भूनूँगी हल्की आंच पे। हलवे ने कैसे घी छोड़ दिया है, बिल्कुल एक लेह की शक्ल का बन चुका है। पहले इसने घी पूरा जज़्ब कर लिया था, अब ये घी इसने छोड़ दिया है। अब ये भून के अच्छी तरह तैयार हो चुका है। जो बनी हुई चाशनी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने आपको बताई नहीं है, मैंने इसमें चार पांच इलायची भी ऐड की है। उसके दाने मैंने निकाल के इसमें डाले। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखें बीबी, ये हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं डिश आउट करके इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। बीबी ये देखें, हलवा मैंने डिश आउट किया कर दिया है। पीनट से सजा बना हुआ हलवा आपको कैसा लगा है आप खुद कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेसन का हलवा आज अहमदाबाद में सर्दी भी बहुत बहुत ज़्यादा है क्योंकि आसमान पे बादल हैं। ऐसे लगता है जैसे बर्फ अभी अभी आने वाली है और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है इस बर्फ़ की बिना। आपको मैंने आसमान की तस्वीर भी दिखा दी है। आप देख रहे हैं अहमदाबाद का मौसम, तो बारिश भी आप छोटी छोटी शुरू हो चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन तो ज़रूर ही दबा दें। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो आपको टाइम पे मिलेगी। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, खुशहाल रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।